नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों, सभी को पता है कि क्लास ट्वेल्थ में हम लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखाया जा रहा है। एक सिस्टमेटिक वे में आपका जो रिवीजन भी हो रहा है और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रहा है, ठीक ना। तो आज जो है सेट नंबर 4 में तीसरा लेक्चर है, जो कि आज 5 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। 5 नंबर के सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा, लेकिन 5 नंबर के प्रश्नों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन एक दिन और 5 क्वेश्चन एक दिन। 5 नंबर के प्रश्नों को आप कभी भी 1 घंटा 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.5 घंटे में आपका ये पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। कोशिश करिए कम समय में हो जाए, लेकिन 1 घंटा 30 मिनट 32 मिनट 35, ठीक ना, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि तब इससे ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेक्टर ए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। 4 बार लगा हुआ है, जिस पे 5 लग जाए वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 5-स्टार क्वेश्चन। आपको 5 स्टार दे सक 4 स्टार दे दीजिए, चाहे 4 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लस 2b + 3c = 0 है, हालांकि एक्चुअली में 0 होता नहीं है, 0 वेक्टर होता है। तो हमें बताना है कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ठीक ना, प्लस यहाँ पे ब्रेकेट में है ये सी क्रॉस ए का मान बताइए। ये चीज़ हमको सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा समझ लीजिए 5 नंबर का ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी 2b+ इतना दिया है, तो बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, हमने ए क्रॉस बी को पहले लिख लिया है, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मान बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत टेक्निक यहाँ पर यूज़ किया जाता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये तो इतना दिया है कैसे शुरुआत करें, ठीक ना। तो जो क्वेश्चन दिया रहता है क्वेश्चन में, बस हमको इतना दिया है, हमको तो ये प्रूफ करना है कि इसका, नहीं प्रूफ नहीं करना है कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मान क्या होगा, ठीक ना। तो इसको देखिए, ये चीज़ हमें दिया है इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो है इसमें पूरे समय इसको 1 मानिए, समीकरण नंबर 1। इसमें क्या करते हैं, पूरे समीकरण में वेक्टर बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए ताकि हमारा ये जो पहला टर्म आ जाए, ठीक ना। इस पूरे समीकरण में वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट की खास बात है कि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो दोस्तों वो क्या जाता है, 0 हो जाता है। और एक खास बात और है कि अगर ए क्रॉस बी आप कर रहे हैं, कैपिटल ए क्रॉस बी, ठीक ना, और यहाँ पे बी क्रॉस ए करेंगे तो ये कुछ नहीं होता है, सिंपली हो जाता है यहाँ पे बाहर माइनस ए, जबकि डॉट प्रोडक्ट में माइनस नहीं होता है। ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए होता है, जबकि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो कई चीज़ें यहाँ पे यूज करेंगे, बस दो ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो वेक्टर बी का पूरे समीकरण मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए यहाँ पे क्रॉस बी, राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक ना। ये 2 वेक्टर बी तो पहले से है, इसमें वेक्टर बी का मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 3 तो कॉन्स्टेंट नंबर है, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी, और किसी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ कुछ भी डॉट प्रोडक्ट करिए चाहे क्रॉस प्रोडक्ट, वो 0 ही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों ए क्रॉस बी, समझिएगा। अब बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये 0। यहाँ पे देखिए सी क्रॉस बी है, अगर हम बी क्रॉस सी कर लें तो क्लियर है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये चीज़ हो गया बी क्रॉस सी, यहाँ पे 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, क्लियर है। ए क्रॉस बी आ गया, अब इसी जो हमारा समीकरण, इसको स्टार दे दीजिए, इस स्टार इक्वेशन, इस समीकरण स्टार में फिर क्या करिए, इस बार बी का मल्टीप्लाई किए हैं, इस बार क्या करिए ए का भी, अब बारी बारी से करेंगे, वेक्टर बी का बी के बाद सी का कर दीजिए। ये जो हमारा स्टार इक्वेशन है, स्टार फिर लिख देते हैं समीकरण स्टार में, वेक्टर सी का गुणा करने पर, पुनः समीकरण स्टार में वेक्टर सी का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो भैया राइट हैंड साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस सी, ठीक है, ये हो जाएगा 2b क्रॉस सी, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा सी क्रॉस सी होगा तो वो 0 हो जाएगा, और ये चीज़ फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ए क्रॉस सी, क्लियर है, यहाँ पे ए क्रॉस सी हो गया ये 2b क्रॉस सी, इसे रहने दीजिए, यहाँ पे 0, तो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, क्लियर है। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे ए क्रॉस बी आ गया है, यहाँ पे सी क्रॉस ए, हमको प्रूफ में जो चाहिए ना वो सी क्रॉस ए लाइए तो वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हुआ फर्स्ट और सेकेंड। फिर समीकरण स्टार में क्या करिए, वेक्टर ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेक्टर बी का, वेक्टर सी का किए, ठीक ना, वेक्टर सी का आप क्या करेंगे समीकरण स्टार में, वेक्टर ए का, तीनों वेक्टर से बारी बारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, ठीक है, सदिश गुणन। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे पुनः समीकरण स्टार में वेक्टर ए का सदिश गुणा, सिंपली गुणा नहीं करना है, सदिश गुणा करना है भैया, स्टार इक्वेशन के पास पहुँचिए। ए क्रॉस ए करेंगे, ए क्या हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा टू, टू तो पहले से है, बी क्रॉस ए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा थ्री इंटू सी क्रॉस ए, क्लियर है, इसकल टू यहाँ पे जीरो, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर तीन। अब देखिए सिंपली हमें क्या करना है, समीकरण एक दो और तीन को जोड़ दीजिए, तो राइट हैंड साइड समीकरण एक दो तीन का क्या है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो समीकरण एक दो और तीन को जोड़ने पर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसके बाद क्या करिए, ए क्रॉस बी, समीकरण एक को देखिए, ये क्रॉस बी यहाँ पे है, यहाँ पे है माइनस थ्री बी क्रॉस सी, उसको रहने दीजिए। समीकरण दो का है यहाँ पे प्लस ए क्रॉस सी, यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों टू बी क्रॉस सी, क्लियर है, यहाँ पे क्या है टू, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए और यहाँ पे हो जाएगा थ्री सी क्रॉस ए, क्लियर है, ये चीज़ देखिए इसी से हमारा मान निकल के आएगा और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा जीरो, जीरो वेक्टर। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि क्या लाना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यहाँ पे है, इसको रहने दीजिए ए क्रॉस बी, उसके बाद देखिए कहीं बी क्रॉस सी है क्या, ये घटेगा बढ़ेगा, यहाँ पे माइनस थ्री बी क्रॉस सी है, ये प्लस टू बी क्रॉस सी है, तो कायदे से जो है ये तो घट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी, और यहाँ पे देखिए ए क्रॉस सी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये टू बी क्रॉस सी है, ये तो घट गया, ए क्रॉस बी यहाँ पे, ये देखिए टू बी क्रॉस ए है, तो उसको अगर घटा देंगे तो इसको अगर हम पलट दें तो ये हो जाएगा टू ए क्रॉस बी, क्लियर है, और देखिए यहाँ पे क्या है ए क्रॉस सी, तो हमको क्या चाहिए सी क्रॉस ए चाहिए, सी क्रॉस ए तो हम माइनस कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा सी क्रॉस ए, क्लियर है, यहाँ पे पलट दिए हैं तो ए क्रॉस सी है तो सी क्रॉस ए कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली थ्री सी क्रॉस ए, इसको कुछ मत करिए, इक्वल टू यहाँ पे जीरो। ये बताइए यहाँ पे ए क्रॉस बी है, ये माइनस टू ए क्रॉस बी है, घट जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ये माइनस टू ए क्रॉस बी, तो सिंपली घट जाएगा, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। अब क्या बचा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तीनों टर्म माइनस है, और ये क्या चीज़ है, ये चीज़, तो हम क्या करेंगे इसमें पूरा माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसी टर्म को उठा के उधर लेके चले जा रहे हैं, तो ये टर्म माइनस ए क्रॉस बी है, बराबर को उधर जाएगा, इसे हम फिर से समझा दे रहे हैं, ये चीज़ हमारा दिया हुआ, तो सबको ये सारा टर्म है ना उसको उधर ले जाइए, इधर हमारा क्या बचेगा थ्री सी क्रॉस ए, क्लियर है, ये चीज़ माइनस ए क्रॉस बी बराबर उधर जाएगा तो प्लस ए क्रॉस बी, उसके बाद क्या है बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी हो गया, ये क्या हो गया सी क्रॉस ए, ठीक ना, इसी का मान हमें बताना था और इसका मान क्या है थ्री इंटू सी क्रॉस ए के बराबर होगा, ये हमारा आंसर होगा, इसको चाहे पहले लिख दीजिए इसको बाद में लिखिए तो वही चीज़ हुआ। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन था कि नहीं, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा लेकिन कभी कभी पूछ सकता है, तो जो चीज़ हमें प्रूफ करना है वहाँ से हमको आइडिया लगा है, ए क्रॉस बी लाना है, तो देखिए ये वेक्टर हमारा दिया हो तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा, तो समीकरण जो स्टार है इसमें ठीक ना वेक्टर बी के साथ क्या कर रही है क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, वेक्टर बी पहले चाहे आप चाहे वेक्टर ए के साथ ले सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों वेक्टर के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो तीन इक्वेशन बनेगा, तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भैया ये हो गया पाँचवा का क, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पाँचवें का ख देखिए। दूसरा क्वेश्चन आज का वाई इजकल टू टेन एक्स के पावर, ये भी क्वेश्चन आसान है, औकलन का क्वेश्चन है। वाई इजकल टू देखिए टेन एक्स के पावर टेन एक्स, फिर पूरे के पावर टेन एक्स है, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि
इस जो फंक्शन है ना वाई का आवकलन करिए, यानी कि कुल मिलाकर डी वाई बाई डी एक्स बताइए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है लॉग लेके, तो ये हम स्टार इक्वेशन दे देते हैं, ठीक ना। यही हमारा क्वेश्चन है, हमें डी वाई बाई डी एक्स बताना है, तो क्या करेंगे लॉग एक्स लेंगे। तो ये लॉग एक्स अभी मत लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू हो गया, सॉल्यूशन यहाँ पर हमारा शुरू हो गया, यहाँ पर टेन एक्स। ये बताइए ये क्या होता है, पावर के पावर होता है, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, टेन एक्स का टेन एक्स में होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। कैसे हुआ ये, एक्स के पावर एम हो फिर पावर एम हो, तो सिंपली क्या हो जाता है, घातांक वाले नियम से एम स्क्वायर। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेंगे तो अब देखिए बहुत चीज़ें अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार लिखना ठीक नहीं है, आप कुछ चीज़ें आप खुद से समझिए। यहाँ पे टेन एक्स हो गया, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। दोनों पक्षों का क्या किए हैं, लॉग लिए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको रहने दीजिए। लॉग एक्स के पावर एन, लॉग किसी के पावर कुछ एन टाइप का होता है, ये क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे इंटू लॉग टेन एक्स। अब देखिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और ये लॉग टेन एक्स को पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड रूल लगाएंगे और इसका अवकलन जानते ही हैं। तो ये जो है हमारा फंक्शन है, इसका दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि डी वाई डी एक्स दोनों साइड डी वाई डी एक्स। इसका अवकलन बहुत आसान है, लॉग वाई का ये हो जाएगा वन बाई वाई, वाई का फिर से होगा एक्स के सापेक्ष करना भाई, तो डी वाई डी एक्स। ये तो बहुत आसान है, फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहती हूँ यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स ज्यों कहती हूँ, सेकंड का आकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, एक्स की जगह क्या है टेन एक्स है, और टेन एक्स का फिर से आकलन होगा चेन रूल। टेन एक्स का क्या होगा आकलन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक। आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का आकलन, ये टेन स्क्वायर एक्स है, अगर सिर्फ टेन एक्स होता तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। पहले इसको क्या करेंगे, एक्स के पावर एन से लगाएंगे तो टू आगे आ जाएगा, टू टेन एक्स, टेन एक्स का फिर से अवकलन हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। और ये जो है लॉग, यानी कि जो सेकंड फंक्शन है पूरा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक ना। तो पहले केस में क्या करें, फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, सेकेंड का पूरा अवकलन किए हैं जो कि ये आया है, फिर क्या किए हैं, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन किए हैं, दूसरा वाला फंक्शन ज्यों का त्यों। तो ये बहुत आसान है भाई, ये डी वाई वाई डी एक्स, इसे प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार क्वेश्चन तो एग्जाम में लग जाएगा। ये तो टेन एक्स से टेन एक्स कट जाएगा एक, तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे टेन एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है टू टेन एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स लॉग, जो चीज़ है उसी को हम क्या किए उतार दिए, कुछ नया चीज़ नहीं किए यहाँ पे टेन एक्स। अगर दोनों जगहों पर देखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब कायदे से क्या करिए, y यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे। मैथमेटिक्स में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। जब लगे कि इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो उसे क्या कर दीजिए, वहीं पे छोड़ दीजिए, हालांकि यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आंसर आपका सही माना जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश वाई डैश। अब वाई क्या, वाई वाई है हमारा टेन एक्स, आप लिख दीजिए टेन एक्स के पावर टेन एक्स, फिर पूरे के पावर क्या है टेन एक्स है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, ये जो है पूरा चीज़ यहीं उतार दीजिए, हो गया इसका आकलन। बहुत आसान था, देखने के बाद इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, आप आंसर भी मिला सकते हैं, लेकिन जो तरीका है वो चीज़ आपका नहीं बदलेगा। मैं मानता हूँ कि मुझसे कैलकुलेशन में कहीं पर प्लस माइनस मिस्टेक से, क्योंकि कभी कभी चीज़ बोलने और कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ध्यान भटकता है, तो चूँकि आप जानते हैं गणित में प्लस माइनस, प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए, तो पूरा का पूरा आंसर जो है कितना वेरी करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस, जो तरीका है, जो फार्मूला है, जो अवकलन करने का तरीका, वो कभी नहीं बदलेगा। और टेन एक्स का अवकलन अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो हमारा भले प्लस माइनस हो जाए, लेकिन टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स ही रखेंगे। ये चीज़ हमें फोकस करना है, कहीं पे अगर प्लस माइनस मिस्टेक होता है तभी एग्जामिनर नंबर दे देता है, लेकिन इतना मिस्टेक ना हो कि टेन एक्स का अवकलन आप सेक स्क्वायर एक्स न लिख के कुछ और लिख दें, ठीक ना। तो वो चीज़ हाँ, आपको नहीं नंबर मिलेगा। तो आज का तीसरा क्वेश्चन, एलपीपी का है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हालांकि नोट कर दिया हूँ कि रेखीय प्रोग्रामन समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। ये हमारा जेड है, जेड को आपको सबको पता है कि उद्देश्य फलन बोलते हैं, का अधिकतम मान बताना है, ये हमारा अवरोध है, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमारा एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। सबको पता है, अभी अभी लेक्चर ख़त्म हुआ है इसका, तो इस पर क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। इस पर हमको पूरा का पूरा जो काम करना है वह है ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करना किसका, वो भी ये पहले वाले इक्वेशन का, दूसरे वाले का। इनइक्वालिटी इक्वेशन नहीं है ये, जो है असमता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस और एक बड़ी सी वाई एक्सिस खींच लेते हैं, क्लियर है। और ये दिए हुए जो समीकरण नहीं है, सर्वसमकाएँ, यानी सर्वसमकाएँ नहीं भाई, असमकाएँ, इनइक्वालिटी, ठीक ना, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसका, तो जो हमारा एक रीजन बनता है, बाउंडेड रीजन, जिसको परिबद्ध क्षेत्र बोलते हैं, उसी क्षेत्रफल के हम जो कॉर्नर पॉइंट्स हम निकालते हैं, और कॉर्नर पॉइंट ही हमारा क्या देता है, फंक्शन का मान मैक्सिमम या मिनिमम देगा। तो पहले क्या करते हैं, ये 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम बार बार बोलते हैं कि जब लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, हम पहले क्या कर लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं, यानी कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। इसका ग्राफ तो आप ड्रॉ कर लेंगे भैया, इस पर 1, 2, 3 हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दिखा देते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। पहले इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढते हैं और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढेंगे यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0 रख देंगे तो एक्स का मान आपको आ जाएगा, इसमें 0 रखेंगे तो 5x इक्वल टू 15, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3। तो जो पॉइंट होगा दोस्तों 3,0, ये 3,0 होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक ना। इसको हम आपका मन करें तो कोई नाम दे दीजिए, पॉइंट ए। अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना है तो इसी में हम क्या कर देते हैं, एक्स का मान 0, तो इसमें एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान कायदे से आ जाएगा 5। तो जो पॉइंट हो जाएगा ये 0,5, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, कि 0,5 और 3,0 पॉइंट को हम लोग कायदे से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। चलिए ये मिला दिए, ये हो गया हमारा जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, किसका, ये हो गया 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 का। लेकिन हमें ग्राफ जो ड्रा करना है वो लेस देन का करना है, लेस देन का। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये हमारा 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 है, ओरिजिन हमारा इधर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या करते हैं, ओरिजिन वाला पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं, एक्स 0 रख दें, वाई 0, तो 0 लेस देन 15। अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई, यानी कि 0 जो है 15 से छोटा है, यानी कि इसमें रख देंगे 0 प्लस 0 लेस देन 15, ठीक है। तो 0 लेस देन 15 यानी कि बात सही है, 0 जो 15 से छोटा है, तो ये जो हमारा रीजन ओरिजिन की तरफ भाग जाएगा, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन को ऐसे करते हुए जिधर ओरिजिन रहेगा उधर ही हम क्या कर देंगे, ये जो है ये चीज़ हमारा रीजन बाउंड हो जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ हो गया, ये अब हमारा ये पहली वाली स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका ये जो इनइक्वालिटी इसका ग्राफ हो गया। उसी तरह से क्या करेंगे, 2x प्लस 5y लेस देन 10 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, ये हो गया पहला, क्लियर है, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, मेन जो चीज़ है, सबको पता है कि ग्राफ ड्रॉ हो जाए तो हमारा काम जो है बन जाए। तो लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं, यानी कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब y इसमें 0 रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा 5, और x जब 0 रख देंगे तो आप y का मान आ जाएगा 2। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा 5,0, y एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 0,2। तो y एक्सिस पे पॉइंट x एक्सिस पे 5,0 यहाँ पे होगा, 5,0 और 0,2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 0,2। इसको आप मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, क्लियर है, इसको मिला दीजिए, ये हमारा ये चीज़ हुआ। इसमें भी आप देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, ई चाहे ई दे दीजिए। इसमें भी क्या है कि लेस देन है, तो ये नीचे ही होगा, उसी कॉन्सेप्ट है, जब इसमें 0,0 रख देंगे तो 0 लेस देन 10 है, क्लियर है। तो ये चीज़ हमारा इस तरह से, ये देखिए ये हमारा जब ऐसे करते जाएंगे, ये यहाँ तक
दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन, और ये जो है रीज़न हमारे पहली वाली स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला रीज़न ये है। और इसमें क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, ये रीज़न। वाई ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, ये रीज़न। तो पूरा मिला के हमारा ये जो हो गया ओ ई, यहाँ पे एफ नाम दे दीजिए एफ और यहाँ पे नाम दे दीजिए डी। तो जो ओ एफ ई और डी, ये वाला रीजन हमारा क्या हो गया, बाउंड हो गया। क्वाड्रेंट भी पता है, ओरिजिन का क्वाड्रेंट क्या है, 0,0। एफ का क्वाड्रेंट क्या है, एफ है 3,0। डी का क्वाड्रेंट क्या है, 0,2। मेन हमारा ई का क्वाड्रेंट नहीं पता है। और ई का क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, जब इन दोनों स्ट्रेट लाइन यानी कि 5x + 3y = 15 equation 1, और एक स्ट्रेट लाइन है भैया 2x + 5y = 10, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो x और y का जो मान है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पॉइंट ई पे क्या कर रही हैं, प्रच्छेद कर रही हैं, और इन्हीं दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का मान जो है होगा वहीं प्रच्छेद बिंदु का क्या होगा, निर्देशांक होगा। इसमें भैया होता है 2 का मल्टीप्लाई, इसमें होगा 5 का मल्टीप्लाई। 2 × 5 = 10x हो जाएगा, यहाँ पे 6y, यहाँ पे 15 × 30, ये होगा 10x, ये हो जाएगा 25y, ये हो जाएगा 50। क्लियर है, तो माइनस 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 कट जाएगा, ये होगा 19y, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20। क्लियर है, तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा 20/19। और जो है 20/19 आ गया, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मान लीजिए जेसी में रख देते हैं, तो 2x + 5y का मान कितना है। देखिए समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी चीज़ देखिए, हर एक चीज़ में आप सीख रहे हैं। तो 20 × 100 हो जाएगा यहाँ पर 10, 100/19, यहाँ पे भैया हो जाएगा 190 - 100/19। क्लियर है, ये हो जाएगा 90/19, और यहाँ पे हो गया 2x, x का मान आ जाएगा 90/38। ठीक ना, ये जो है थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, लेकिन कोई बात नहीं, 90/38 है। और ये जो है y का मान है 20/19 है। ये चारों पॉइंट यानी कि हो गया e। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम प्रच्छेद बिंदु का जो निशांक है उसे सॉल्व करके ला पा रहे हैं कि नहीं, ये भी चीज़ आपको सीखना है। आप देखिए ये हमारे कोणीय बिंदु हो गए ओरिजिन एफ डी और ई, यही चारों पॉइंट हैं जिस पे फंक्शन का मान मैक्सिमम मिलेगा। और किसी भी पॉइंट पे हमारा, हालांकि ये हमारा जो पूरा रीज़न है इसको बोलते हैं फीजिबल रीज़न, ठीक ना, तो इसमें हर एक एक्स वाई का मान जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2। लेकिन वो फंक्शन का मान मैक्सिमम दे ये ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम मान मिलेगा वो इन्हीं कॉर्नर पॉइंट पे। तो जेड आप जो है 0,0 पे निकालिए, जेड का मान निकालिए 3,0 पे, जेड का मान निकालिए 0,2 पे, और जेड का मान निकालेंगे 90/38 और 20/19। तो आप पाएंगे कि 3,0 पे जो जेड का मान है, 3,0 पे जो जेड का मान है अधिकतम आएगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को एलपीपी का आप जो भी प्रॉब्लम आएगा मैंने डिस्कस कर दिया है। अब क्या होगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर 2x / cot x - tan x^2 dx। इसका हमें क्या करना है, ये अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको आने चाहिए, हम यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं। सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो सबको पता है कि जो साइन 2x का फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 2 sin x × cos x। ठीक ना, जरूरत पड़ने पे अगर साइन 2x टूट रहा है 2 sin x × cos x, तो जरूरत पड़ने पे 2 sin x × cos x को हम sin 2x भी ले सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे एक जो cos 2x का फार्मूला होता है, जो सबसे पहला फार्मूला होता है cos²x - sin²x, ये थोड़ा सा कम यूज होता है लेकिन इफ़ेक्टिव है, बहुत कम जगहों पे होता है लेकिन यहाँ पे प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऊपर कुछ मत करिए, क्योंकि जहाँ पे 99% प्रॉब्लम में जहाँ पे टेन और कॉट दिखता है तुरंत कन्वर्ट किया जाता है किसमें, cot x होता है cos x बटा में
साइन एक्स सॉल्यूशन हमारा शुरू हो चुका है और टेन थीटा हमारा होता है ये चीज़ यहाँ पे हो गया डी एक्स। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को रहन दीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर टू एक्स है, ये देखिए कॉस एक्स और साइन एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या होगा, नीचे सिंपली हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे ये डी एक्स चलता आएगा। देखिए कैलकुलेशन कितना, त्रिकोणमिति वाले जितने भी समाकलन है ना उसमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर यहाँ पे टू एक्स, ये नीचे वाला जो पोर्शन है क्योंकि ये दोनों पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, और ये चीज़ हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नीचे से आ जाएगा ऊपर, और ये हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर यानी कि हर में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये अभी अभी हम बताएं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन ये कॉस टू एक्स होता है, तो कायदे से भी ऐसे कुछ मत करिए, ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर टू एक्स, ठीक ना, और ये चीज़ है साइन एक्स, जैसे ही आप कन्वर्ट कर देंगे एक स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस टू एक्स है, ये कॉस टू एक्स ये पूरे का स्क्वायर, अब धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो रहा है किसी एक स्टैंडर्ड फार्मूले में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स, ये फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू एक्स चूँकि स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है इसमें अगर टू हो जाता है यानी कि टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कि टू का मल्टीप्लाई कर दिए और टू का डिवाइड कर दिए ए स्क्वायर, तो ये जो चीज़ है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेक स्क्वायर टू एक्स चलते रहने दीजिए, ये टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हमारा हो जाएगा साइन टू एक्स बाई टू का स्क्वायर, नीचे क्या है देखिए कितना त्रिकोणमिति का ज़बरदस्त यूज हो रहा है, अभी इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पूरे पे स्क्वायर है तो ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का स्क्वायर अलग, तो ये टू का स्क्वायर हो जाएगा तो ये वन बाई फोर हो जाएगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर टू एक्स यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर टू एक्स बटा में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू एक्स, ये चीज़ हम साथ में ले लेंगे। क्लियर है? साइन स्क्वायर टू एक्स अपान में कॉस स्क्वायर टू एक्स वो कुछ नहीं होगा, सबको पता है कि साइन एक्स अपान में कॉस एक्स टेन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक क्लियरली हो जाएगा टेन स्क्वायर टू एक्स, ये चीज़ हो जाएगा भैया डी एक्स। अब देखिए इसमें देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, तो टेन एक्स को आप टेन टू एक्स को क्या मान लीजिए, टेन टू एक्स को प्रतिस्थापन विधि टी मान लीजिए, हमेशा स्टार इक्वेशन देते आए हैं इसे आज भी देंगे, अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो टेन टू एक्स का अवकलन होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स, टू एक्स का फिर से होगा टू, यहाँ पे डी एक्स ये डी टी, तो टू हम भेज देते हैं नीचे। क्लियर है? तो सेक स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, ये सेक स्क्वायर टू एक्स ये डी एक्स ये कन्वर्ट हो जाएगा डी टी बाई टू से यहाँ पे। क्लियर है? ये जो टेन स्क्वायर टू एक्स यानी कि टेन टू एक्स टी में हुआ है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये कन्वर्ट हुआ है डी टी बाई टू से, ये क्या हो गया वन बाई एट, ये हो गया ये इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, कितना आसान हो गया भाई, ये हो गया वन बाई एट और इसका समाकलन क्या हो जाएगा टी क्यू बाई थ्री प्लस सी, और टी का मान क्या है रख दीजिए यहाँ पे टेन टू एक्स, तो ये हमारा जो समाकलन हो जाएगा एक बटा में चौबीस यहाँ पे हो जाएगा टेन क्यू टू एक्स प्लस सी, आप जो है इस तरह ये आप बुक में देख सकते हैं। मेन जो चीज़ था कि आपको ये फार्मूला आता है कि नहीं, देखिए कॉट एक्स टेन एक्स को इसमें कन्वर्ट करना आता है, उसके बाद जो ये फार्मूला बन गया ये चीज़ आपको आता है कि नहीं, तो किस तरह से क्वेश्चन ज़बरदस्त था, पाँच नंबर लायक, पाँच मिनट में अगर प्रैक्टिस है तो पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें और भी एक दो क्वेश्चन हैं, रिलेशन एंड फंक्शन ये क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या है ये तो आप जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में जाएंगे
पेज नंबर 106 और 26वां एग्जांपल है। तो पेज नंबर 106 और 26वां एग्जांपल में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आसान होता है, इसलिए हम सोचते हैं उसे छोड़ दें। रिलेशन ऑन फंक्शन का क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है, फिर भी हम जो है आपको लास्ट के समय में 10 क्वेश्चन दे देंगे जो वही क्वेश्चन फंसेगा रिलेशन ऑन फंक्शन का। ये हो गया दोस्तों आज के 5 क्वेश्चन। ये अगला खंड यानी कि जो छठवें में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको रहेगा, उसमें से करने रहेंगे केवल 5। क्लियर है? देखिए अवकल समीकरण क्वेश्चन देख लीजिए, अवकल समीकरण है, समाकलन करना है, और एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोड़ ही देना, यानी कि ये हमें करना है, ऊपर के 5ों क्वेश्चन करना है। क्लियर है? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे दोस्तों। तो अगर ये क्वेश्चन हम कर दें तो पूरा का पूरा जो हमारा सेट 4 खत्म हो जाएगा। और इसमें जो एक एक नंबर के सवाल हैं, हम बताए हैं 7ों सेट का एक ही दिन, यानी कि 70 क्वेश्चन का जो है पूरा आपको मटेरियल मिलेगा। उसी 70 क्वेश्चन में ना ये जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, हम बता दे रहे हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन इसी में घुमा फिरा के फंसेंगे, थोड़ा बहुत नंबर चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, और थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ाइए कि हाँ सर 80% 90% परसेंटेज में बताइए, ठीक ना? तब मज़ा आएगा, हमें भी समझ में आएगा कि कितनी तैयारी और बाकी है, कितनी करनी है। और सारे बच्चे थोड़ा सा बताएं कि क्या अप्लीकेशन आप इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग में प्रॉब्लम हो रही है क्या सबको, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उससे सवाल बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें समस्या है, उसके सवाल करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि वाकई में समस्या है क्या। तो अगर है तो मैं एक दो लेक्चर उसका बता दे दूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी कुछ ऐसे एक दो दिन वोटिंग करेंगे किस किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना? तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका एक लेक्चर थोड़ा सा और अलग तरह से बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हेलो, वेलकम। अगर अब तक YouTube के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।